Hey, what's up, this is Dipesh, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे लैपटॉप की जो कि बेस्ट लैपटॉप होगा अंडर 50,000 रुपीज। एक्चुअली लैपटॉप 50,000 का भी नहीं है, 47 समथिंग के आसपास आपको ये लैपटॉप देखने को मिल जाएगा। हालांकि आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि ये लैपटॉप कौन सा लैपटॉप है, बट आपको शायद नहीं पता होगा कि ये लैपटॉप बेस्ट लैपटॉप क्यों है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखते रहना ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें ऐसा क्या देखने को मिल रहा है जो कि बाकी लैपटॉप आपको देखने को नहीं मिलता है, यानी ये लैपटॉप क्यों बेस्ट है अंडर 50,000 रुपीज। तो ये लैपटॉप रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस लैपटॉप में आपको सबसे अलग चीज़ देखने को मिलेगी, वो है इसमें हेक्सा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। हालांकि अगर आप कंपेयर करो बाकी कोई भी ब्रांड में, कोई भी आपको इस बजट सेगमेंट में हेक्सा कोर प्रोसेसर नहीं देगा। एंड साथ ही साथ इसमें आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है। हम सबकी बात करेंगे एक एक करके, बट फिलहाल सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है। तो ये लैपटॉप आपको देखने को मिल रहा है फ्लिपकार्ट पे, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ये है HP Pavilion Gaming Ryzen 5 हेक्सा कोर लैपटॉप। इसका मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेल इट, बहुत ही लंबा सा मॉडल नंबर आप देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आपको 8GB की रैम देखने को मिलती, नॉर्मल रैम देखने को नहीं मिलती, मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों। इसमें आपको 1TB की हार्ड डिस्क देखने को मिलती है, विंडोज 10 होम देखने को मिलता है, 4GB का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है NVIDIA GTX 1650 का। दूसरे लोग क्या दे रहे हैं, दूसरे लोग भी आपको साथ 1650 कोई दे रहे हैं, बट विथ हेक्सा कोर प्रोसेसर और ये वाला डिस्प्ले कोई नहीं देगा। और गाइस अब हम चलते हैं सीधे कुछ इसके हाईलाइट्स की तरफ, कुछ मेन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बात करूँ कि जो ग्राफिक प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको 4GB का GDDR6 का NVIDIA GTX 1650 का ग्राफिक कार्ड। ये ग्राफिक कार्ड आपको और कहीं पे शायद इस बजट सेगमेंट में विद ये वाले कॉन्फ़िगरेशन के साथ शायद देखने को नहीं मिले। एंड इसके अलावा इसमें आपको जो प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, वो प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है AMD Ryzen 5 4600H। ये एक ऐसा प्रोसेसर है गाइस जिसमें आपको 6 कोर्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसके बेंचमार्क रिजल्ट की भी बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि AMD Ryzen 5 4600H कहाँ पर लाई करता है। आप मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये i7 9th जनरेशन से ज़्यादा अच्छा है, i7 i5 इन सभी से इतना अच्छा है। इसका परफॉर्मेंस आप देख सकते हो CPU बेंचमार्क पे कि कितना आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू इंटेल के प्रोसेसर। तो AMD का प्रोसेसर सोच के आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो AMD प्रेफर नहीं करते, बट डोंट वरी गाइस, इंटेल से ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर हो, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको देगा। एंड अगर आप वैल्यू फॉर मनी की बात करो तो इंटेल या के जो भी प्रोसेसर आपको i7 i5 देखने को मिले, उससे कई सस्ता प्रोसेसर देखने को मिलता है AMD का ये वाला। एंड जनरली AMD के प्रोसेसर सस्ते होते हैं एंड आपको परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, आपको लाइफ टाइम अच्छी दे रहा है और आपको सारी चीज़ें अच्छी मिल रही है, तो और आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलता है 1TB का हार्ड डिस्क इनबिल्ट। आप चाहो तो यहाँ पे 1TB का अगर आप चाहो तो यहाँ पे अलग से SSD लगा सकते हो, हार्ड डिस्क मिल रहा है इनफ है। आप चाहो तो 1TB की SSD खरीद सकते हो, कुछ 5-1 महीने बाद जब आपको ऐसा लगे तो आपको हार्ड डिस्क, आपको SSD देखने को मिल जाएगी 3-4 हज़ार के आसपास, और आप 3-4 हज़ार के SSD अलग से लगा सकते हो, तो वो ऑप्शनल है आपके ऊपर, आपको लगाना लगाओ वरना मत लगाओ। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें जो आपको डिस्प्ले देखने को मिल रहा है वो एक फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। फुल HD मीन्स 1080p डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग यहाँ पे बोलते हैं कि आपको HD डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, वो कि 720p डिस्प्ले रहता है, बट यहाँ पे गाइस आपको 1080p डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, वो भी 15.6 इंच की स्क्रीन के साथ, जो कि एक एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले है। अगर आप बात करो कि नॉर्मल डिस्प्ले जो कि LCD स्क्रीन वाला होता है, कुछ आपको ऐसे डिस्प्ले देखने को मिलेंगे जिसमें आप लैपटॉप लेके बैठे हो एंड लैपटॉप को ऐसे ऐसे हिलाए जा रहे हो, आपको बोला मूवी चालू किया आपको डिस्प्ले थोड़ा नीचे का डिस्प्ले ऊपर, आपको ऐसे व्यूइंग एंगल में आपको तकलीफें देखने को मिल रही होगी, तो वो सारे डिस्प्ले होते हैं LCD डिस्प्ले। अगर आप बात करो IPS डिस्प्ले, उसमें आपको व्यूइंग एंगल की दिक्कतें देखने को नहीं मिलती। आप आगे से देखो, पीछे से देखो, आउटसाइड से कहीं से भी देखो, आपको व्यूइंग एंगल एकदम परफेक्ट देखने को मिलता है, कलर एक्यूरेसी परफेक्ट देखने को मिले, अच्छे कलर देखने को मिलते हैं। तो अगर आप ये लैपटॉप ले रहे हो, इसमें ग्राफिक कार्ड है, ऑब्वियसली आप गेम खेलने वाले हो, आप प्रॉब्ली शायद GTA PUBG CS:GO इस टाइप के गेम खेलोगे जिसमें आपको ग्राफिक्स काफ़ी मैटर करता है। ग्राफिक तो आपको ग्राफिक कार्ड से मिल जाएगा, बट जो डिस्प्ले क्वालिटी इसमें मिल रही है IPS डिस्प्ले, वो आप ग्राफिक की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करके देगा, मतलब ग्राफिक का पूरा आप पूरा सदुपयोग कर पाओगे कहें तो ये डिस्प्ले आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा जब तक ऑडियो की बात करो, जैसे आपने नॉर्मल बिना स्पीकर के मूवी लगा के छोड़ दी, अगर
कुछ कुछ लैपटॉप ऐसे होते हैं बिना स्पीकर का मूवी देख ही नहीं सकते, बट गाइस इसमें आपको BNO के स्पीकर देखने को मिल रहे हैं, मतलब इसमें ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी देखने को मिलेगी आप बिना स्पीकर के आप इसमें ऑडियो प्ले कर सकते हो, आपको साउंड वगैरह प्रॉपर देखने को मिलेगा। एंड BNO एक ऑडियो में बहुत ही बड़ा ब्रांड माना जाता है, तो उसके स्पीकर आपको देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें अगर हम बात करें बैटरी के 3 सेल देखने को मिल रहे हैं, जनरली आपको 2 सेल ही देखने को मिलते हैं। DDR6 का ग्राफिक 4GB ग्राफिक कार्ड देखने को मिल रहा है, हेक्साकोर प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, रैम इनबिल्ट 8GB देखने को मिल रही है जिसमें आप 8GB और लगा सकते हो एंड टोटल 16GB तक अपग्रेड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आपको बेस्ट फ्रिक्वेंसी 3GHz की देखने को मिल रही है जो कि बूस्ट करके 4GHz तक जा सकती है। नॉर्मली इस रेंज में आपको 2.6GHz के आसपास बेस्ट फ्रिक्वेंसी देखने को मिलती है एंड 4GHz तो रियली कोई जाता है। एंड इसके अलावा यहाँ पर रैम जो मैंने बताई है, रैम यहाँ पर नॉर्मल वाली नहीं, आपको 3200MHz की देखने को मिलती है। नॉर्मली इस बजट सेगमेंट में आपको 2600MHz के आसपास की रैम देखने को मिलती है, बट यहाँ पर आपको 3200MHz की रैम देखने को मिलती है। और गाइस यहाँ पर आपको 11MB कैश मेमोरी देखने को मिल रहा है, जनरली आपको कैश मेमोरी 8MB के आसपास शायद देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे 11MB कैश मेमोरी देखने को मिल रही है। कैश मेमोरी क्या होती है अगर आपको नहीं पता तो गूगल करो, आपको थोड़ा बेसिक आइडिया लग जाएगा। कैश मेमोरी का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है आपके लैपटॉप में, तो यहाँ पे 11MB कैश मेमोरी देखने को मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट GTX 1650 देखने को मिल रहा है जो कि अगर हम देखें बेंचमार्क रिजल्ट भी आप इसे कंपेयर कर सकते हो ऑनलाइन जाके, एंड यहाँ पे जनरली गेमिंग FPS वगैरह आपको देखने को मिल रहा है। 49FPS आपको GTA में देखने को मिल जाएगा, CSGO में 188, 49 PUBG में, एंड ये तो जनरली इसका रिजल्ट है। आप वाकई में जब खेलोगे आपको रिजल्ट वगैरह काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएगा, एंड अगर हाँ SSD अपग्रेड कर ली तो आपको और अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारी बेसिक चीज़ें आपको देखने को मिल रही, USB पोर्ट, USB की जितने पोर्ट्स वगैरह आपको देखने को मिलने चाहिए, 1080p डिस्प्ले, बैकलिट कीबोर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको जो कीबोर्ड देखने को मिल रहा है आप अंधेरे में बैठ के भी टाइपिंग कर सकते हो बढ़िया तरीके से, तो ये कीबोर्ड भी आपको इस प्राइस रेंज में देखने को मिल रहा है। और HP के मल्टी टच जेस्चर सपोर्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही कम लैपटॉप में इस HP वाले जेस्चर सपोर्ट देखने को मिलते हैं, तो ये वाले जेस्चर सपोर्ट भी देखने को मिल रहे हैं। एंड दैट्स इट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इसके लुक्स और इसके विजुअल्स की बात करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बेजल्स काफ़ी कम है, बेजल्स एक्चुअली है ही नहीं, नीचे की तरफ थोड़ी मोटी सी बाउंड्री दी गई है, बट ये ओके है क्योंकि आपको इसमें डिस्प्ले काफ़ी अच्छी क्वालिटी का देखने को मिल रहा है, IPS डिस्प्ले है तो आपको गेमिंग में दिक्कत नहीं आएगी। नीचे की तरफ बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिल रहा है, सामने की तरफ आपको BNO के स्पीकर देखने को मिल रहा है, एंड पीछे की तरफ यहाँ पे HP का लोगो भी देखने को मिल रहा है, वो एक शाइनिंग टाइप लोगो है, कोई लाइट नहीं लगी बट आपको इसमें शाइनिंग टाइप लोगो पीछे की तरफ देखने को मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कैमरा आपको देखने को मिलता है सामने की तरफ ऊपर की साइड, कुछ कुछ लैपटॉप में नीचे की साइड में मैंने देखे जो कि काफ़ी इरिटेटिंग होता है, बट इसमें ऊपर की साइड आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आप स्पीकर देख सकते हो, सामने की तरफ BNO की स्पीकर देखने को मिलते हैं, एंड यहाँ पे HP की तरफ से आने वाला कीबोर्ड एंड उसके जेस्चर सपोर्ट अब भी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इसके अलावा आप बात करो पीछे की तरफ आपको रैम अपग्रेड की पूरी आपको फैसिलिटीज दी गई है जिसमें आप बस ये स्क्रू वगैरह रिमूव करके आप सीधे रैम अपग्रेड कर सकते हो। एंड आई थिंक हार्ड डिस्क भी अगर आपको या फिर SSD लगानी है तो वो भी आप पीछे की तरह यहीं पे से लगा सकते हो। एंड आपको लैपटॉप जहाँ तक बात करें कि काफ़ी स्लिम लैपटॉप रखा गया है एंड लुक वाइज भी पूरा गेमिंग लुक आपको देखता है। सो गाइस इस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से ये लैपटॉप आपको बेस्ट देखने को मिलेगा क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको और कोई शायद इस तरह का लैपटॉप दे ही ना पाए। सो बस दैट्स इट, मुझे बस आपको यही बताना था। रिसेंटली मैं लैपटॉप सर्च कर रहा था कि बेस्ट लैपटॉप क्या है 50,000 के आसपास, तो मुझे ये मिला। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि आपको हमारे साथ फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड दिस इज द बेस्ट साइन आउट, मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।